तो चलिए देखते हैं वो कौन 3 WWE के सुपरस्टार है जो रॉयल रंबल विनर बनने के बाद रेसलमेनिया में चैंपियन नहीं बन पाए हैं। WWE रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्ट्री बहुत ही पुराना रहा है, जिसे खास तौर पर रॉयल रंबल मैच के लिए जाना जाता है। इस मैच में हर साल कई बड़े रिकॉर्ड बनते हैं और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते भी हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रॉयल रंबल विनर रेसलमेनिया में किसी भी चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे कई सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने रॉयल रंबल विनर बनने के बाद रेसलमेनिया में चैंपियन को चैलेंज किया है और टाइटल जीतने में सक्सेसफुल भी रहे थे, मगर इस वीडियो में हम उन 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो रॉयल रंबल विनर तो बने लेकिन रेसलमेनिया में चैंपियन को हराने में नाकाम रहे थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्टेड। तो नंबर 3 की बात करें तो WWE रेसलर्स कॉडी रॉड को रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस ने हराया है। कॉडी रॉड्स हेल इन अ सेल 2022 में सेथ रॉलिंस को हराने के बाद चोट लगने के कारण वो ब्रेक पर चले गए थे। कॉडी ने उसके करीब 7 मंथ बाद 2023 मैच रॉयल रंबल मैच में एंट्री की, जिसमें उन्होंने 30वें नंबर पर एंट्री ली थी और लास्ट में गुंथर को एलिमिनेट करते हुए मैच जीत लिए थे। उन्होंने रेसलमेनिया 39 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के लिए रोमन रेंस को चैलेंज किया। उनका मैच काफी धमाकेदार भी साबित हुआ था और एक टाइम पे दी अमेरिकन नाइटमेयर जीत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन लास्ट के पलों में सोलो सिकोआ ने कोडी रोड्स पर हमला कर दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर ट्राइबल चीफ अपने टाइटल को रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे थे। और नंबर 2 की बात करें तो रोमन रेंस WWE रेसलमेनिया 31 में चैंपियन नहीं बन पाए थे। रोमन रेंस 2014 रॉयल रंबल मैच में जीत के केवल एक कदम दूर रहे थे, लेकिन उसके अगले साल यानी 2015 में उन्होंने 19वें नंबर पर एंट्री की, सिक्स रेसल को इलिमिनेट किया और लास्ट में रूसेफ को इलिमिनेट करते हुए पहली बार रॉयल रंबल विनर बनने में सक्सेसफुल रहे थे। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 31 में WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को भी चैलेंज किया था। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच में काफी खतरनाक मोमेंट देखने को मिले और एक मौके पर रोमन रेंस के मुंह से खून भी निकलने लगा था। एक टाइम पर दोनों रेसलर काफी थक चुके थे, तभी मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस ने ब्रीफकेस को कैश इन किया और रोमन रेंस को पिन करते हुए नए चैंपियन बन गए थे और इसी कारण रोमन रेंस चैंपियन नहीं बन पाए थे और वो लास्ट में हार गए थे। और नंबर 1 की बात करें तो रैंडी ऑर्टन को WWE रेसलमेनिया 25 में ट्रिपल एच ने हराया था। रैंडी ऑर्टन WWE हिस्ट्री के सबसे महान रेसलर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने 2009 रॉयल रंबल मैच में 8वें नंबर पर एंट्री लेने के बाद 48 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक रिंग में बिताया और लास्ट में ट्रिपल एच को रिंग से बाहर निकालते हुए विनर बने थे। रॉयल नंबर 2009 से पहले ही उनकी दुश्मनी मैकमेहन फैमिली से शुरू हो गई थी। रैंडी ऑर्टन ने रॉयल नंबर विनर बनने के बाद मैकमेहन फैमिली उन्हें रेसलमेनिया 25 में WWE चैंपियन ट्रिपल एच का सामना करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इस मैच में एक बेट था कि अगर ट्रिपल एच किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गए तो रैंडी ऑर्टन नए चैंपियन बन जाएंगे, बट लास्ट में ट्रिपल एच ने मैच जीतते हुए चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। तो रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच में से कौन से सुपरस्टार आपके फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।